ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਵੋ ਵਧਾਇ, ਜੀਵਨ ਵਾਲ ਸਤਿ ਸਲਾਮ ਗੁਮ ਸਾਥੀਓ। ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਟੀਵੀ ਪਰ ਆਪ ਸਭੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ USA ਸਾਥੀਓ। ਹਮਾਰਾ ਪੇਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਉਸਕੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉਸਕੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸਾਥੀਓ। ਹਮ ਅਬ ਆਪ ਸਭੀ ਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਗਏ ਥੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੇਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕੇ ਲਿਏ ਗਏ ਥੇ। ਤੋ ਆਓ ਉਨਕਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਮੇ ਜੋ ਲੜਕੀ ਇੱਕ RSS ਕੀ ਜੋ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜੋ RSS ਕੀ ਕਾਰਯਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ ਉਸਕਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਜੀ। शाहीन बाग का बैकग्राउंड लेके क्या पता कौन से नारे लगाती, वो एंटी नेशनल नारे लगाती और बदनाम शाहीन बाग होता। शेम, शेम, शेम। और उसके बाद में पता चलता है कि खुद पहले उन्होंने अपना नाम बरखा बताया, उसके बाद में उनकी ID गुंजन कपूर की निकली। गुंजन कपूर को हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 2000 लोगों को ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उनमें से एक गुंजन कपूर भी है। हमारे देश की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि पुलिस उसे जब लेके जाती है गाड़ी में बिठा कर कहती है शाबाश, कैसे लड़ेंगे हम, कौन लड़ेगा हमारे साथ। इसलिए हमें अपने बीच में बैठे हुए हर इंसान को चेक करना है कि वो हमारे साथ है या नहीं है। कोई हम में नहीं होता है जो हमें डराएगा। आप लोगों को आप तो जामिया जो हमारा है वो और खतरे की उस पे बैठा है, खुली रोड चल रही है, कोई क्या करेगा हमें नहीं पता। शाहीन बाग में फिर भी कोई आता है उसे दहशत होती है। कल अगर आप गुंजन को देख लेते तो वो 10 बार मर रही थी, डर डर के उसका दर्द निकला था। और अभी 2-3 दिन की रैली में पहले अमित शाह जी के यहाँ सिर्फ एक लड़के ने इतना सा नारा लगाया था CAA वापस लो, उसे मारते मारते बदहाल कर दिया गया। ये भी हमारे शाहीन बाग की औरतों की अच्छी बात है कि हमने गुंजन को कुछ नहीं होने दिया और सही सलामत के सामने अपना पैगाम देते हुए घर तक पहुंचाया। अब मेरा बस यही है कि हमें इसे लड़ना है, बहुत समझदारी से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है और उसके बाद इंसानियत के नाते लड़ना है। हिंदू मुस्लिम सब इसमें साथ हैं। और लेडीज पकड़ के लाई थी, मैंने सिर्फ उनसे पूछताछ की थी कि आप, मैं उन्हें बचा के लाई थी भीड़ से, कि मैंने उनसे पूछताछ की थी कि मैडम आप कहाँ से हैं, आप अपनी आइडेंटिटी दिखा दीजिए, ये जो क्लाउड है वो बहुत गुस्सा हो रहा है, आप अपनी, तो वो अपनी आइडेंटिटी दिखाने को तैयार नहीं थी। जब उनसे बहुत बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर किया गया तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपना आधार कार्ड दिखाया जो कि गुंजन कपूर था उसमें उनका नाम। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रही थी, तो वो बोली कि मैं, मुझे डर के मारे में आइडेंटिटी छुपा रही थी कि मैं यहाँ के बारे में बहुत गलत बातें सुन रही हूँ कि ये मतलब जो भी कुछ कहती। फिर वो कपिल के बारे में बात करने लगी जो गोली चलाने शाहीन बाग आया था, वो मतलब बातें बदलती रही बार बार। और बाहर जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि मुझे वहाँ बहुत टॉर्चर किया गया, आपने जो काम किया आप दूसरों के साथ मार देते हैं, आपको सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया गया। बिल्कुल, हमने उन्हें पुलिस को दिया, दिल्ली पुलिस को दिया, वो दिल्ली पुलिस को देख के दूर से ही आवाज लगाने लगी कि राणा साहब, विजय सर, मुझे बचा लीजिए। इसका मतलब वो पुलिस को पहले से जानती थी और उन्हें यकीन था कि पुलिस उन्हें बचाने आएगी। बताया जा रहा था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या उन्होंने बताया था, मैंने भी सुना है सर कि उन्होंने ये कहा है कि मुझे वहाँ मारा गया है, मुझसे मेरा सब कुछ छीना गया, उनका मोबाइल वगैरह लिया गया था, वो भीड़ में भीड़ के बीच का हिस्सा था, वो उन्हें बचाना था, हमारी प्रायोरिटी थी, हम सिर्फ उन्हें बचाने में रहे कि उन्हें कोई कुछ ना कह दे, क्योंकि हम वो इंसान नहीं है जो इंसानियत भूल जाए, इंसान गुंजन भी है, इंसान हम भी। साथियों, आप सभी ने देखा इसका जो RSS की जो एक लड़की है ये, और हमारे जो साथी ने, जो सर्वेश कुमार जी हमारा साथी, उन्होंने रिपोर्टिंग किया है इसमें, जो लड़की से बात की है। इसमें जो ये चल रही जो चाल चलते हैं, लोग RSS के दुम छल्ले बैठे हैं, दूर दूर पर बैठे हैं, ये कहीं भी बैठे हैं, ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं,
और ये इतिहास गवा रहा है इनकी कि इतिहास इनका जो जो भी इतिहास है मिथिहास है इनका जो आरएसएस का ऐसा रहा कि लड़कियों का इस्तेमाल करके ये लोगों की जेब काटने का काम करते हैं और लोगों को बर्बाद करते हैं और लोगों का जो जीवन जैसे बहुत से बहुत बड़े बड़े राजा इन्होंने जो इस लड़कियों के चक्कर में फंसा कर बर्बाद किए हैं। तो इनका ये पुराना कोई नया नया चाल नहीं चली इन्होंने, ये बहुत पुराने खेल खेलते हैं। तो दाएं दिखाकर बाएं मारना है, इसको शतरंज की चाल कहते हैं, ऐसा करते रहते हैं ये। तो इनके जो दुम छल्ले बैठे हैं चारों तरफ जो झूठ बोलने का काम करते हैं, तो ये जो हम आगे जो शाहीन बाग में जो बैठे लोग हैं जिन्होंने इस पर कार्रवाई की है, जिन्होंने इसको पकड़ा है, हम सभी का तहे दिल धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इनको बेनकाब किया है और जिन्होंने इनके साथ में जो इसकी लड़की साथ में उन्होंने बदतमीजी की लड़कों जो जिन्होंने इसको पूछताछ की है और लड़की ने जो पूछताछ की है उसका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत ठंडे से बात की है इनसे और ऐसा जो एक शाहीन बाग के अंदर जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की है ये आरएसएस के जो बैठे गुंडे और गुंडिया गुंडी भी कह सकते हैं इसको जो दूसरे रूप में जो बनका ये है बुरका है, बुरका एक अजमत है मुसलमानों की, उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं? अगर आपको आना ही था ऐसे ऐसे तो लेकिन हमने हमारे उनके जो साथी बैठे हैं वहाँ से उनका हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े बहुत ही सहजता से उसको निपटाया काम को। तो थैंक यू सबका, हमारे रिपोर्टर का भी थैंक यू, वो लड़की का जिसने इंटरव्यू दिया है जिसने जानकारी ली उससे उसका भी थैंक यू धन्यवाद। और जो आरएसएस का जो चल रहा है सारा सिस्टम उसको बेनकाब करते रहेंगे हम, क्योंकि वॉइस ऑफ मानव आपका अपना टीवी है, इसको लाइक करें और हम लगातार अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। तो सभी का थैंक यू जिन्होंने कमेंट किए, आज इन्होंने वीडियो शेयर किया, थैंक यू सबका। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।